हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बेबी हेड बनाना सीखेंगे। विंटर सीजन में आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसे डिज़ाइन हमेशा अपलोड करती रहती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले चैन बनाएंगे हम। तो हमने एक चैन बनाया, दो चैन, तीन, ये चार। हमें यहाँ पे चार चैन लेना है। इसके बाद हम नीचे वाले फंदे में से यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे ऐसे। अब फिर हम चैन बनाएंगे, एक, दो। अब एक राउंड हम क्रोशिया मिलेंगे ऐसे, और जो ये नीचे फंदा है इसी के अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे दो बनाया और एक चैन हमने बनाया, तो तीन डबल क्रोशिया, ये चार डबल क्रोशिया। पांच, छः, सात, आठ। तो इसे ही हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद ये जो चैन है इसी के अंदर से हमें यहाँ से इसे हम बंद कर देंगे इस तरीके से। धागे को थोड़ा सा खींचना है। इसके बाद ये जो चैन हमने बनाया था ये वाला, इसी के अंदर से हमें धागे को ऐसे निकालना है और इसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर एक राउंड हम ऐसे क्रोशिया मिलेंगे और उसी के बगल से हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फिर एक राउंड क्रोशिया मिलेंगे, फिर जो ये दूसरा है डबल क्रोशिया ये वाला, इसमें से हम धागे को निकालेंगे। तो ये ऊपर की साइड से हमें डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, और एक उसी के अंदर से हमें लेना है यहाँ से। यहाँ से हम डबल क्रोशिया एक बनाएंगे और ये हम ऊपर की साइड से बनाएंगे। यहाँ पे ये ऊपर की साइड हम डबल क्रोशिया लेंगे अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आगे। तो हमने यहाँ पे ये पूरा बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे लेके जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे बंद कर लेना है इसको। इसके बाद हम ये जो ऊपर से हमने बनाया था डबल क्रोशिया उसी के अंदर हम फिर ऊपर की साइड से बनाएंगे ऐसे। धागे को निकालना है और डबल क्रोशिया बना लेना है। अब इसके बगल में यहाँ से, अब हम पहले एक बनाए थे, अब यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही फंदे में से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक राउंड ऐसे क्रोशिया मिलेंगे और जो हमने ऊपर की साइड बनाया है यहाँ पे, उसमें हम हमेशा ऐसे ऊपर की साइड से ही बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसी फंदे में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए हम ये बॉर्डर जो हमने बनाया है ये ऊपर की साइड, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड डबल क्रोशिया बनाएंगे और साइड में हम इसके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे। तो आगे हम ऐसे बनाएंगे।
तो यहाँ पे हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लाके इसको जोड़ देंगे। अब धागे को खींचना है और फिर हमें ऊपर की साइड जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए धागे को निकालना है ऐसे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। अब उसी के यहाँ बगल में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो बॉर्डर हमने बनाया है उसके ऊपर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से उसी के बगल में यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बॉर्डर पे हम ऊपर की साइड डबल क्रोशिया, तो इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो ये पूरा लाइन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बना लिया, ये हमने बीच में डबल क्रोशिया जो बनाया है तो उसी डबल क्रोशिया में देखिए हम बॉर्डर बनाएंगे। हर फंदे में हमें बॉर्डर बनाते हुए जाना है। अब इसके आगे हम दूसरा धागा लेंगे, तो इसको हमें जोड़ लेना है। पहले धागे को थोड़ा खींचना है। अब ये जो हमने ऊपर की साइड डबल क्रोशिया बनाया है, जो हमारा फंदा जैसे बॉर्डर जैसे बनते हुए जा रहा है, उसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे। अब इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। अभी हमने दो दो बनाया था, अभी हम तीन बनाएंगे एक ही फंदे में। अब ये जो बॉर्डर हमारा बन रहा है ये ऊपर की साइड डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक चैन करेंगे ऐसे, और उसी के बगल में यहाँ से फंदे में हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेना है। एक ही फंदे में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक चैन। तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। तो इसी तरीके से हम इसको ये लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। इसको हमें बंद कर देना है ऐसे। अब हम धागा छोड़ देंगे, अब दूसरा धागा लेंगे। तो हमने दूसरा धागा यहाँ लिया, धागे को थोड़ा ढीला ही रखना है। इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर की साइड हमें डबल क्रोशिया लेना है, ये जो हमारा बॉर्डर जैसे बनता हुआ जा रहा है। एक चैन हम करेंगे। अब यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही फंदे में। इसके बाद हम ये जो बॉर्डर दिख रहा है इसी के अंदर हम ऊपर की साइड डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन। अब ये बॉर्डर के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम
आगे पूरा लाइन बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो फंदा दिख रहा है इसी में हम इसको जोड़ेंगे ऐसे। अब धागा हम दूसरा लेंगे, तो ये जो हमने बाड़ा जैसे बनाया है डबल क्रोशिया उसी के अंदर से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे हम दो चैन करेंगे, यहाँ से हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है एक ही फंदे में। तो यहाँ पे हमने चार बना लिया है। इसके बाद हम ये जो बॉर्डर जैसे हमारा जा रहा है डबल क्रोशिया, तो उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन। इसके बाद हम उसी वाले फंदे में से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम आगे पूरा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम दूसरा धागा लेंगे, इसको छोड़ देंगे। धागे को थोड़ा ढीला ही यहाँ पे ऊपर की साइड हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन लेंगे। इसके बाद हम इस फंदे में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऊपर की साइड जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमेशा इसमें ऊपर की साइड ही बनाना है। दो चैन लेना है। तो इसके अंदर हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये लाइन पूरा बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हम यहाँ पे लाके बंद कर देंगे। अब दूसरा धागा लेंगे, ये ऊपर की साइड हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हम चैन करेंगे, दो चैन हम दो ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसके अंदर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमने चार बनाया था, अब हम पांच बनाएंगे। तो हमने इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाया है। ये ऊपर की साइड जो डबल क्रोशिया है इसमें हम ऊपर की साइड ही डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। अब दो चैन रखेंगे और फिर हम उसी फंदे में से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो देखिए हमने इसे बना लिया है। अब इसको हम जोड़ेंगे। धागे को छोड़ देना है, दूसरा वाला धागा लेना है।
जो बॉर्डर हमने बनाया डबल क्रोशिया वाला, उसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। दो चैन लेना है, इसके बाद इसी फंदे में यहाँ पे पांच हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, इसी तरीके से पांच डबल क्रोशिया और दो चैन करते हुए हम 11 राउंड बनाएंगे यहाँ पे। तो जो बॉर्डर है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर की साइड, दो चैन। अब इसके अंदर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दोनों धागे से हम 11 राउंड बना के हम आगे दिखाएंगे आपको। तो इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पे 11 राउंड बनाया है, एकदम गोल टोपी बन रही है हमारी। तो हमने देखिए यहाँ पे ये पहले से ही हमने बनाया है एकदम उसी तरीके से। अब हम इसके आगे जो ये नीचे बॉर्डर हमने बनाया है इसमें हम ये वाला बना के दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे धागे को दूसरा धागा लेना है, इसके बाद जो हमने ऊपर की साइड यहाँ पे बॉर्डर बनाया है उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम दो राउंड ऐसे क्रोशिया मिलेंगे और फिर उसी वाले फंदे में से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो एक ही फंदे में हम 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद जो ये बॉर्डर हमने बनाए हैं यहाँ पर ऊपर की साइड जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम दो राउंड क्रोशिया में फिर उसी वाले फंदे में से हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही फंदे में हमें 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है जैसे अभी हमने बनाया था। तो हमने यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे हाफ क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरीके से हम हर फंदे में बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बना के जोड़ दिया है। अब इसके आगे हम बताएंगे। एक राउंड इसे क्रोशिया में लेना है, इसके बाद ये जो फंदा दिख रहा है जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसी के अंदर से हम ये तीनों फंदे में साथ में बंद कर देने हैं। ये हाफ क्रोशिया है,
हर फंदे में से हमें हाफ क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो ये जो बीच में है यहाँ पे हम एक ही फंदे में दो हाफ क्रोशिया बनाएंगे, बीच में दो हाफ क्रोशिया रखना है। इसके बाद हम एक एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे हर फंदे में। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर इसके आगे हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हर फंदे में से, और बीच में हमें दो हाफ क्रोशिया रखना है एक ही फंदे में। तो इसके आगे हम दो राउंड ऐसे ही बना लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे हाफ क्रोशिया का दो राउंड बना लिया है। इसी तरीके से इसको बनाना है। अब इसके बाद हम बॉर्डर एकदम बनाएंगे ऊपर का। तो कलर हम दूसरा ले रहे हैं, धागे को थोड़ा बड़ा कर लेना है। ये उल्टी साइड से हम बनाएंगे। देखिए धागे को हमें इसे निकालना है और फिर ये दोनों फंदे में साथ में बंद कर देने हैं इस तरीके से, और फिर हमें उल्टा ही फंदे में डालना है और धागे को निकालना है, इसे बंद कर देना है। तो ये हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से, फंदे में क्रोशिया को डालना है और धागे को निकालना है। ये दो फंदे हो जाएंगे तो साथ में बंद कर देने हैं। हर फंदे में से ऐसे बनाते हुए जाना है, धागे को निकालना है और बंद कर देना है हर फंदे में से। ये उल्टा साइड से इसको बनाते हुए जाना है। हर फंदे में इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, ये पूरा लाइन ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, आगे बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये पूरा बॉर्डर बना लिया है। तो हमने ये जो फ्लावर बनाए हैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।